लोगों ने आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, नमक पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर लगा दिया, मेडिकल पर लगा दिया। बीजेपी के लोगों मॉडल देखो राजस्थान की सरकार का, राजस्थान में दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है, एमआरआई सिटी स्कैन फ्री है, कोई भी जाए प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री है, और सरकारी अस्पताल में करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ कितने भी करोड़ों का इलाज हो सारा फ्री है। ये पहला मॉडल स्टेट है राजस्थान। किसानों को हम 1,000 रुपए महीना देते हैं, 1,000 रुपए महीना 12,000 रुपए साल के मिलते हैं किसानों को, और 50 यूनिट तक जो बिजली फ्री की है, बार बार फ्यूल चार्ज को लेकर बात करते हैं, फ्यूल चार्ज कम हो या ज्यादा हो लेकिन 50 यूनिट तक बिजली तो फ्री मिलेगी, और 50 यूनिट तक बिजली लगभग 36 लाख परिवारों घरों में बिजली का जीरो बिल आ रहा है। यह पहला स्टेट राजस्थान की सरकार है, हमारी कांग्रेस की सरकार है। हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसने पूरे देश में बीजेपी को हिलाकर रख दिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, गुजरात में बीजेपी की हालत खराब है, और जो भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में निकल रही है उसने साबित कर दिया है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है, भूख से, गरीबी से। हर एक घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बीजेपी के जुल्म से, अन्याय से, बीजेपी के धोखे से, क्योंकि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से हालात खराब है। पूरे हर चीज महंगी हो गई, और पेट्रोल डीजल तब महंगा है जब क्रूड ऑयल के दाम, आप खुद इस बात को जानते हैं, 80 से $85 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे तब पेट्रोल हिंदुस्तान में 70 रुपए लीटर था, और आज आप देख लो नितिन गडकरी जी ने कह दिया कि 91 में जो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की योजनाओं के कारण भारत के गरीब को और मीडियम क्लास का भला हुआ, और रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी को इतिहास में उनका नाम अमर हो गया, हमें उनका हमेशा सम्मान। नितिन गडकरी जैसा इंटेलिजेंट आदमी खुद मनमोहन सिंह जी की नीतियों की तारीफ कर रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि नितिन गडकरी खुद कह रहे हैं कि वर्तमान में मोदी सरकार की नीतियां टोटल फेल है, अर्थ के मामले में आर्थिक व्यवस्थाएं फेल हो चुकी है। ये बात जब राहुल गांधी कहते हैं, हम कहते हैं, कांग्रेस कहती है, तब बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आज आपसे कहता है, राम किसी का बुरा करते नहीं, राम राज्य का अर्थ क्या है, हम लोग खुद अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, और राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। आज हमारे कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग में ईआरसीपी को लेकर मंत्रिमंडल में अहम निर्णय हुआ है। मंत्रिमंडल में ईआरसीपी निगम को जल संसाधन विभाग, सीएडी, आईजीएनडी, एसडब्ल्यूआरपीडी के स्वामित्व की अनुपयोगी भूमि और भूमि से संबंधित संपत्तियों का निःशुल्क हस्तांतरण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही निगम के वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों द्वारा हस्तांतरित भूमि का प्रबंधन, बेचान, लीज, अन्य उपयोग में लिया जाकर प्राप्त 100% आय का उपयोग निगम के कार्यों के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी प्रदेश के 13 जिलों के लिए पेयजल के साथ साथ सिंचाई की भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है। नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन, मंत्रिमंडल ने नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया है। इस नीति से प्रदेश के स्टार्टअप, उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप एवं संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स को फायदा मिलेगा। प्रदेश में निवेश व रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 2020-21 में आई स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू करने की घोषणा की गई थी। शहीद अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री कार्मिकों को मिलेगी अनुकंपात्मक नियुक्ति। मंत्रिमंडल ने बैटल कैजुअल्टी, फिजिकल कैजुअल्टी के आश्रितों को अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों तथा पैरामिलिट्री कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2002 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी है। उक्त संशोधन के बाद शहीद परिवार के आश्रित सदस्यों को पे लेवल 10 तक के पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जाएगी तथा पूर्व की अपेक्षा ऐसे परिवारों को बेहतर रूप से संबल प्रदान किया जा सकेगा। नवीन अनुसूचित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव अनुमोदन किया है। इस क्रम में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्श्रेणी नियम 2014 में भारत सरकार की 19 मई 2018 को जारी हुई अधिसूचना में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जैसलमेर में सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग की होगी स्थापना। 4,200 करोड़ रुपए का निवेश, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। मंत्रिमंडल ने मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए 400.5 हेक्टेयर
औद्योगिक परियोजनार्थ आरक्षित भूमि का आवंटन करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना 2 चरणों में स्थापित होगी। कुल 4200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त निर्माण प्रक्रिया में भी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हमारी कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में हमारे साथी मंत्री सम्मानीय प्रताप सिंह जी ने आपको ब्रीफ किया। अन्य जो हमारे एजेंडे हैं उनके अंदर जनजाति बालिका छात्रावासों में अब सिर्फ महिला वार्डन्स लगेंगी। मंत्रिमंडल ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित महिला छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का पद केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही भरे जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इन छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रही बालिकाओं की सुरक्षा एवं निजता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस निर्णय में अब छात्रावासों में स्वीकृत 274 अधीक्षकों के पदों पर महिला वार्डनों का पदस्थापन हो सकेगा। कार्मिकों पर लघु शास्ती एवं ACP आगामी देय तिथि को मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कार्मिकों के हितों में बड़ा निर्णय लिया है। इसमें राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत कार्मिक को दी गई लघु शास्तियों के मामलों में APARA की अनुपलब्धता तथा APRA में प्रतिकूल टिप्पणी होने के मामलों में ACP में परिमाणिक प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है। अब कार्मिकों को आगामी ACP देय तिथि को प्राप्त हो सकेगी। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के पद पर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान समेकित बाल विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन किया है। इसमें पर्यवेक्षक के पद पर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में अब छूट मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता